अस्सलाम वालेकुम। आज से एडोबी इलस्ट्रेटर का बाकायदा आगाज हो रहा है। इससे पहले मैंने फोटोशॉप का एडवांस कोर्स अपलोड किया है, उसमें साथ साथ एडवांस एडिटिंग की हफ्ते में एक से दो क्लासेस जो हैं वो अपलोड होती रहेंगी। साथ साथ टूल्स वगैरह उसमें सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वो वाली क्लासेस मेरी नहीं देखी तो आप ये ऊपर लिंक आ रहा है वहाँ से देख सकते हैं। तो साथ साथ मैं एडोबी इलस्ट्रेटर स्टार्ट कर रहा हूँ, इसकी हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस होंगी और फोटोशॉप के साथ में एडवांस एडिटिंग की एक दो क्लास जो है वो हफ्ते में शेड्यूल की है मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इलस्ट्रेटर की और फोटोशॉप की आपको क्लासेस बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले हमारे पास अगर हम इलस्ट्रेटर को ओपन करें तो यूं का इंटरफेस कुछ हमारे पास सामने शो होगा। यहां से हम क्रिएट न्यू जैसे फोटोशॉप में करते थे वैसे ही सिंपल क्या करेंगे, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ यूं का इंटरफेस आएगा जैसे फोटोशॉप में होता था। यहाँ पे कुछ रिसेंट जो मैंने ओपन किए हुए हैं वो वाले डिज़ाइन आ रहे हैं और अगर आपने सेव किए हुए हैं तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी सारे आप देख सकते हैं, सारे यहाँ पे जितने भी प्रीसेट वगैरह पड़े हैं आप वो ओपन कर सकते हैं। सिंपल मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे इधर अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं है तो आप जो है वो कस्टमाइज़ खुद कर सकते हैं। ये हमारे पास फाइल का नाम आ गया, आप यहाँ से नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं सिंपल, अपनी जो फाइल का आप रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइट विड्थ वही सेम, ओरिएंटेशन भी सेम है। यहाँ पे आर्ट बोर्ड जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। अब इलस्ट्रेटर इसलिए इस्तेमाल होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ, इलस्ट्रेटर जो है वो सारा वेक्टर बेस काम करता है। वेक्टर बेस, वेक्टर फाइल्स क्या होती हैं, वेक्टर फाइल्स वो वाली फाइल्स होती हैं जिनको हम बड़े स्केल पे अगर यूज़ करें तो हमारे पास वो पिक्सेलेट नहीं होती, उनके पिक्सल जो है वो नहीं फटते। किनारों से आपने देखा होगा कि अगर हम पिक्सल बेस किसी इमेज को बड़े स्केल पे यूज़ करते हैं तो पिक्सेलेट हो जाती है वो इमेज। तो हमारे पास वेक्टर फाइल्स जितनी भी होंगी, वेक्टर फाइल्स के लिए अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो इलस्ट्रेटर यूज़ होता है, और अगर लोकल देखा जाए तो पाकिस्तान में कोरल ड्रा यूज़ करते हैं लोग। इलस्ट्रेटर यहाँ पे बहुत कम यूज़ होता है, ये समझिए अपना होने के बराबर। जितनी भी हमारी प्रिंट मीडिया है सारा वो कोरल ड्रा के ऊपर ही सारा काम करती है और वहीं से हमारे पास प्रिंटिंग के सारे बैनर्स वगैरह जितने भी छपने हैं वो सारे वहीं से निकलते हैं। इलस्ट्रेटर इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो कोरल ड्रा को नहीं मानते। तो अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आ रहे और कहे कि आप उनका लोगो जो है वो एक हाई रेजोल्यूशन में बना दें तो आपसे वो हमेशा जो है वो वेक्टर फाइल ही मांगेगा, कभी भी वो कोरल ड्रा की CDR फाइल नहीं मांगेगा, या तो EPS .EPS इसकी एक्सटेंशन होती है, .AI जो है एक्सटेंशन यूज़ करते हैं लोग। तो उसके अलावा जो है हमारे पास वेक्टर फाइल्स में SVG फाइल्स होती हैं जो कि स्केलेबल वेक्टर फाइल ग्राफिक्स होती हैं, वो भी बड़े पैमाने पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी ज्योमेट्रिकल हमारे पास शेप्स होती हैं जितनी भी हम यहाँ पे वेक्टर्स में बनाते हैं। चलते हैं आगे। उसके बाद ब्लीड, ये ब्लीड एरिया फ़िलहाल अभी छोड़ दें, ये ज़्यादातर जो है वो प्रिंटिंग के लिए ये वैसे यूज़ करते हैं। आपने ये देखा होगा कि अब हम बैनर्स वगैरह निकालते हैं तो ये ज़्यादातर उनको पता होता है जो प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, उनको ये पता होता है ब्लीड एरिया क्या होता है। कलर मोड जो है वो आप जो रखना चाहते हैं वो रखें, बाकी आगे जो है वो इसको एज इट इज़ रहने दें और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ यूं का इंटरफेस शो होगा। आपके पास अगर पुराना वर्जन है तो हो सकता है कुछ चेंजिंग हो, मेरे पास जो है वो 2023 है एडोबी इलस्ट्रेटर का, तो मेरे पास यूं का इंटरफेस शो हो रहा है। अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं शो हो रही तो आप विंडोज़ में जाके इसको ऑन कर सकते हैं बाद में अपने तौर पर। यह हमारा जो है वो आर्ट बोर्ड है सिंपल, अगर हम यहाँ से आर्ट बोर्ड हमने 2-3 रखे होते तो हमारे पास आर्ट बोर्ड जो है वो 2 से 3 ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का पैनल आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास ये लेयर्स का पैनल आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास ये टूल बार आ रही है सेम वैसे ही है सारी जैसे हमने फोटोशॉप में देखी है। इसके टूल्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं बस। अच्छा जी, आगे ये हमारे पास सबसे पहले सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल जैसे हमारे पास फोटोशॉप में था वैसे ही यहाँ पे इलस्ट्रेटर में भी है।
उसके बाद ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, जैसे हमने फोटोशॉप के अंदर सीखा था कि अगर हम जब शेप्स बनाते हैं, तो अगर आपने वो वाली क्लास मेरी नहीं देखी पेन टूल वाली, तो वहां से देख सकते हैं सिंपल जाके। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम जब हम शेप्स को बनाएंगे तो आगे यूज करेंगे, आपको सारा उसमें डिटेल में बताया जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। सारा वही टूल था सारे, ये शेप्स टूल होगी हमारे पास, रेक्टेंगल, ये पेन टूल है सिंपल इसका। उसके बाद जो है हमारे पास कुछ टूल्स मिलते जुलते हैं, कुछ टूल जो हैं वो न्यू होंगे, जाहिर सी बात है। ये वही कलर जो है हम चेंज करते थे, इसमें स्ट्रोक वगैरह भी आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको हम बाकायदा इसमें स्टार्ट करते हैं हम सारा, कि किस तरह हम इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, कैसे ये काम करता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।